हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने सरोजनी नायडू को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमेशन तत्व, इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क और इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ही वॉज बोर्न इन 1848 एंड डाइड इन 1909। कुछ फैक्ट भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1848 में और ये कलकत्ता बंगाल में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी, इनके फादर एक डिप्टी कलेक्टर थे जो ब्रिटिश इंडिया में काम करते थे। इनकी अर्ली एजुकेशन तो कोलकाता में हुई थी बट ही लेटर वेंट टू इंग्लैंड एंड इटली फॉर हायर एजुकेशन। सो ही गॉट हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड एंड इटली और ये पूरे यूरोप घूमे और जब ये वापस इंडिया आए तो इन्होंने किताब लिखी 3 ईयर्स इन यूरोप। वहाँ इन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस जो गेन किया था उसके बेस पे इन्होंने एक बुक लिखी थी 3 ईयर्स इन यूरोप और हिज एक्सपीरियंस टॉट हिम टू अप्रिशिएट द परमानेंट वैल्यूज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, तो इनके जो एक्सपीरियंस है एक चीज निकल के आती है कि उन्होंने क्योंकि हायर एजुकेशन यूरोप में गेन की थी तो वहाँ उनको जो यूरोपियन कल्चर थी, वेस्टर्न कल्चर थी, उसने इन्फ्लुएंस कर दिया था और वो एक तरह से इंडियन जो उस समय का सिनेरियो था कि जो लोग भी ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जाके या फिर यूरोप में जाके पढ़ाई करते थे तो उनपे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस साफ देखने को मिलता था। तो सिमिलर चीज़ें भी रोमेशन दत्त की पर्सनैलिटी में देखने को मिलती हैं कि वो यूरोप में जाके पढ़ाई किए और उनकी जो इन्फ्लुएंस है उनकी राइटिंग पे वो वेस्टर्न कल्चर की देखने को मिलती है। हालांकि उन्होंने एक बुक लिखी थी द पीजेंट्री ऑफ बंगाल। बंगाल में एक रिवोल्ट हुआ था, किसानों का आंदोलन हुआ था 1873 में, पावना रिवोल्ट। उस पर उन्होंने एक बुक लिखी थी द पीजेंट्री ऑफ बंगाल। सो जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ इस तरह की किताबें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि हु रोट दिस बुक द पीजेंट्री ऑफ बंगाल। सो यू कैन रिमेंबर द टाइटल ऑफ दिस, रोमेश्वर बोस रोट दिस बुक। इसके अलावा रोमेश्वर दत्त अगर नेशनल लेवल के एग्जाम की बात की जाए तो वहाँ इनके जो ट्रांसलेशन है, स्पेशली ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत एंड रामायण, वो पूछे जाते हैं और इनका एक और वर्क है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कुछ और फैक्ट की अगर बात करें तो ही वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बड़ौदा स्टेट। ब्रिटिश इंडिया में बड़ौदा स्टेट जो हुआ करता था उसके दीवान रहे थे क्योंकि यूरोप में पढ़े थे, यूरोपीय कल्चर से इन्फ्लुएंस थे और उसको बेस्ट मानते थे। दैट्स व्हाई रिमेंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एज वेल। उनके पिताजी भी एक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, तो उसी प्रक्रिया को इन्होंने आगे बढ़ाया। बाद में ये पॉलिटिक्स में भी आ गए और 1899 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे ये। इसके अलावा इनकी हम जो बात करते हैं जिसके लिए स्पेशली जाने जाते हैं लिटरेचर की दुनिया में, उसमें इनके जो ट्रांसलेशन वर्क हैं महाभारत और रामायण, इन्होंने महाभारत और रामायण को अपने तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। महाभारत इन 1898 एंड रामायण इन 1899, फॉर दीज टू वर्क्स इज वेल नाउन। इसके अलावा द स्लेव गर्ल और गर्ल ऑफ आगरा एंड इंडियन हिस्टोरिकल रोमांस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इनको कई बार ये स्टेट लेवल के एग्जाम में और एक बार UGC नेट में भी पूछा जा चुका है। तो आप इस वर्क को स्पेशली द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा एंड इंडियन हिस्टोरिकल रोमांस, महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन, इस दो तीनों वर्क के लिए इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे द पीजेंट्री ऑफ बंगाल बुक या लिटरेचर ऑफ बंगाल, इसके अलावा एक वर्क है इन्होंने जो शिवाजी महाराज पे लिखा है उसको भी आप याद रख सकते हैं, शिवाजी द मॉर्निंग मराठी लाइफ। ओके, तो ये स्टेट लेवल के एग्जाम में इस तरह की बुक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट थे रोमेश्वर दत्त के बारे में। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।